जैन साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। देखिए जरा इस कॉन्सेप्ट में क्या है, आज कुछ नया पढ़ेंगे और आज की क्लास ऐसी होगी जो शायद आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पहले नहीं देखा होगा, और ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में दोबारा ये कॉन्सेप्ट आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आइए जरा समझाता हूं सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है। सब्जेक्ट में अगर क्लॉज आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। अच्छा, हर क्लॉज में एक अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। क्लॉज में अपना सब्जेक्ट और अपनी क्या होती है बच्चों, एक वर्ब होती है, ध्यान रखें इस बात को। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट में क्लॉज आ जाता है, यानी जो क्लॉज होता है ना, यानी सब्जेक्ट वर्ब वही सब्जेक्ट बन के आ जाती है। जैसे देखो, अगर क्लॉज एक है तो वर्ब कैसी होगी, अगर एक ही क्लॉज है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर दो क्लॉज हैं और एंड से जुड़े हैं, किससे, अगर दो क्लॉज एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और अगर दो क्लॉज और से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, और से, तो हम लगाएंगे वहां पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बच्चों इस बात का ध्यान रखा, एक क्लॉज है या फिर दो क्लॉज हैं, और प्रत्येक क्लॉज में क्या होता है, अपना एक सब्जेक्ट और अपनी एक वर्ब होती है ना। अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, देखो जरा ध्यान से, इसमें मैंने यह लिखा है कि क्लॉज से पहले कभी कभी कोई WH वर्ड या दैट या फिर ऑल, क्लॉज से बच्चों पहले कभी कभी कोई WH वर्ड आ जाता है, या ऑल आ जाता है या फिर दैट आ जाता है, तब क्या करेंगे, तब ध्यान रखना, अगर क्लॉज एक ही है तो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, और अगर दो क्लॉज वहां पर एंड से जुड़े हों, ऐसे क्लॉज जिनसे पहले कोई WH वर्ड या दैट या फिर ऑल हो और उनको हमने एंड से जोड़ा हुआ है, तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे, तो वो वर्ब लगाएंगे प्लूरल। अगर उन दोनों क्लॉज को हमने और से जोड़ा है, किससे जोड़ा है, और से जोड़ा है, तो फिर वर्ब कैसी होगी, वर्ब होगी सिंगुलर। बात समझ में आ गई। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लॉज के ऊपर पढ़ा रहा हूं, और बच्चों जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे और बढ़ाऊं, इससे पहले अब जल्दी से हमारा जो टारगेट मैंने क्या बता रखा, इस क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, 100 स्टूडेंट इस क्लास में पढ़ने चाहिए, प्यारे प्यारे 100 स्टूडेंट। तो मेरे रसगुल्लों, मेरे शेरों शेरनियों, जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दो, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा दो, जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हो वहां पे कर दीजिए, ताकि जल्दी से यहां पर सारे बच्चे आ जाएं और क्लास बहुत शानदार चले। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं इसको समझाता हूं सेंटेंस में। अब सेंटेंस में लिखा है द अर्थ वॉज फ्लैट वर अ मिथ। यहां पे देखिए, हर क्लॉज में अपना एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी। यहां पर जो हमारा पहला क्लॉज है वो ये है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक हमारा पहला क्या है, क्लॉज है द अर्थ वॉज फ्लैट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, अर्थ, और वर्ब है हमारे पास वॉज। सब्जेक्ट अर्थ है और वर्ब हमारे पास क्या है, वॉज है। और इसके बाद में फिर एक और वर्ब, बच्चों ध्यान रखना, क्लॉज में भी वर्ब होगी और उस क्लॉज के खत्म होने के बाद, एंड होने के बाद एक और वर्ब आएगी। तो जैसे यहां पे ये क्लॉज खत्म हो गया तो इसके बाद में एक और वर्ब आई यहां पर। बात समझ में आ गई आपको कि क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, ठीक है, फिर जैसे ही वो क्लॉज फिनिश होगा तो उसके बाद में एक और वर्ब आएगी। तो यहां पे मैंने क्लॉज देखा और उसके बाद मैंने वर्ब देखी, क्लॉज कितने यहां पर, एक ही है, तो इसलिए वर्ब नहीं किया जाएगा यहां पर, यहां आ जाएगा वॉज। एक क्लॉज है इसलिए वॉज आया। अगर दो क्लॉज होते, देखो जरा, मैंने लिखा राम इज ए टीचर, सॉरी राम इज अ टीचर, राम एक टीचर है, एंड मोहन इज अ लॉयर, और मोहन एक लॉयर है, राम टीचर है और मोहन लॉयर है, दो क्लॉज है यहां पर। पहला क्लॉज हमारा कहां से कहां तक है, ये रहा, और दूसरा क्लॉज हमारा कहां से कहां तक है बच्चों, ये रहा। दो क्लॉज है मेरे पास, दोनों को किससे जोड़ा हुआ है, एंड से जोड़ा हुआ है। तो आगे फिर जैसे ही वो दो क्लॉज खत्म होंगे, जैसे ही सेकंड क्लॉज खत्म होगा, जैसे ही यहां पे देखिए सेकंड क्लॉज एंड हो गया, तो इसके बाद में वर्ब आई। अब ये वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल, देखो जरा, दो क्लॉज एंड से जुड़े हो तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों लिखते जाओ, अपनी नोटबुक और पेन से निकाल लीजिए और इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख डालिए,
ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे इज नहीं होगा, क्या होगा यहां पर, यहां होगा आर, क्योंकि यहां पर हमारे पास कितने क्लॉज हैं बच्चों, मेरे पास यहां पर दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज यहां पर है और दूसरा क्लॉज यहां पर है, तो वर्ब कैसे इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब थर्ड सेंटेंस को समझते हैं, थर्ड सेंटेंस में लिखा राम स्टडीज इन द रूम और ही प्लेज आउटसाइड, डू नॉट बॉदर मी। इस सेंटेंस को आराम से समझो, पढ़ो इसको, और मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे ना इसका आंसर दें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर, इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है, अगर एरर है तो वो क्या है और उसको ठीक करके बताओ, जल्दी से आंसर दो। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जल्दी से इसका आंसर बताओ कि राम स्टडीज इन द रूम और आ गया, देखो ये वाला और दूसरा क्लॉज क्या, ही प्लेज आउटसाइड, इसमें दो क्लॉज हैं, पहला क्लॉज यहां से यहां तक है, ये पूरा क्लॉज है, इसमें एक सब्जेक्ट है राम और इसमें एक वर्ब है स्टडीज, फिर यहां पे और आ गया, फिर आगे एक और क्लॉज आगे, ही प्लेज आउटसाइड यहां तक है, ये वाला क्लॉज, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, और इसमें वर्ब क्या है, प्लेज, तो इसके बाद में वर्ब क्या हो गई, डू, डू वर्ब है। अब जो डू होती है ये प्लूरल वर्ब होती है, क्या होती है, ये प्लूरल वर्ब, तो दो क्लॉज हो गए, बीच में और आ रहा है तो क्या करेंगे, यहां पर डू का हो जाएगा डज। बच्चों समझ में आ रहा है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में वाई या एन लिख के मुझे बताओ बच्चों, ठीक है, मैं सारे कमेंट चेक कर लूंगा आपके। चलिए फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं, फोर्थ सेंटेंस मैंने आपको बताया कि क्लॉज से पहले क्या आ सकता है, कोई डब्ल्यू एच वर्ड भी हो सकता है, जैसे देखिए वॉट ही डज हियर, ये पहला क्लॉज, ये एक क्लॉज है हमारे पास, और इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही, और वर्ब क्या है मेरे पास, डज, सब्जेक्ट वर्ब दोनों दी हुई हैं, और क्लॉज से पहले क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू एच वर्ड यानी व्हाट दिया हुआ है। अब मुझे बताओ क्या पढ़ा है मैंने, डब्ल्यू एच वर्ड हो फिर क्लॉज हो, आगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब है तो ये नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए अब मैं आपको फिफ्थ सेंटेंस समझाता हूं, देखो जरा फिफ्थ सेंटेंस में क्या लिखा है, What I teach you here, मैं जो भी आपको यहां पढ़ाता हूं, What I teach you here is easy to understand, वो समझने में क्या होता है, आसान होता है जो मैं आपको यहां पढ़ाता हूं। तो यहां पर देखिए what WH word आ गया, इसके बाद ये यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, ये clause है, क्या है, ये क्लॉज है, बोलते रहो, अगर बोलोगे ना तो चीजें अपने आप याद होती जाएंगी बच्चों, मन मन में बोलो या थोड़ा जोर से भी बोल सकते हो, इतना जोर से बस खुद को सुनाई दे, आस पड़ोसियों को नहीं, बोलते रहो, बोलने से चीजें याद होती हैं। चले इसमें क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है, आई, और वर्ब क्या है मेरे पास, टीच है, आई सब्जेक्ट और टीच वर्ब है, और उससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ है, तो आगे अच्छा क्लॉज कितने, केवल एक ही क्लॉज है यहां पर देखिए, और इस क्लॉज के बाद ये वर्ब आ गई, तो वर्ब क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी इज क्या है, बिल्कुल सही है, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। अब मैं आपको सिक्स्थ सेंटेंस समझाता हूं, हाउ शी बिहेव्स डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, वो कैसे बिहेव करती है, ये सब कुछ तुम्हारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, शी, और वर्ब क्या है, बिहेव्स, और उससे पहले क्या लिखा हुआ है, हाउ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाउ, डब्ल्यू एच वर्ड है, और आगे वर्ब क्या है, डिपेंड्स। बच्चों इसमें एक ही क्लॉज है, कितने क्लॉज है यहां पे, सिंगल क्लॉज है, और सिंगल क्लॉज होने की वजह से वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, सिंगल क्लॉज तो वर्ब सिंगुलर, डबल क्लॉज होंगे, एंड से जुड़ा होगा तो प्लूरल वर्ब, और से जुड़ा होगा तो सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे हाउ शी बिहेव्स डिपेंड्स बिल्कुल सही है, सिंगुलर वर्ब है, डिपेंड वर्ब है, ऑन योर एटीट्यूड। बच्चों एटीट्यूड का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सारे बच्चे इसको गलत मीनिंग में यूज करते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है आपका नजरिया, आपका किसी चीज को देखने का आपका सोच, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड का मीनिंग घमंड या एरोगेंस नहीं होता, घमंड अभिमान ये नहीं होता है। एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, आपका सोचने का तरीका, योर वे ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड एटीट्यूड। चलिए अगला वर्ड है, ऑल शी डज ऑल डे इज वेस्टिंग टाइम, पूरा दिन वो एक ही काम करती है, क्या, समय को खराब करना। ना बच्चों यहां पे देखिए ऑल लिखा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास क्या है, पूरा एक क्लॉज है, और इस क्लॉज से पहले क्या लिखा है, ऑल लिखा है, और इसके बाद में वर्ब क्या है, सिंगुलर, एक ही क्लॉज है मेरे पास। अगर दो क्लॉज
एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब, और से जुड़े होंगे तो सिंगुलर वर्ब। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से नोटबुक में इसको उतार लो, लिख लो, और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अब मैं बच्चों इतनी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं आपको, मैं इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप जब एग्जाम में जाएंगे ना, तो वहां पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपके आगे हाथ जोड़ लेगा कि बाबा छोड़ मुझे, मुझे लगा कि तू तैयारी करके नहीं आया है। लेकिन अपन ऐसी तैयारी करके जाएंगे कि वहां पर जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन वो भी हाथ जोड़ लेगा हमारे आगे, तुरंत एक सेकंड में खटखट क्वेश्चन होंगे। तो इतनी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं मैं आपको। चलिए जल्दी से लिख लो इसको, फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं आपके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्वेश्चंस को करने से पहले, यानी प्रैक्टिस करने से पहले, मैं चाहता हूं कि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ा दूं। इसी डब्ल्यूएच वर्ड से रिलेटेड है और क्लॉज से रिलेटेड है वो भी। देखो जरा, अगर आपको सब्जेक्ट में, कहां पर, सब्जेक्ट में अगर डब्ल्यूएच वर्ड दिखाई दे, क्या दिखाई दे आपको, डब्ल्यूएच वर्ड, और उसके बाद में आपको दिखाई दे टू प्लस वी वन। ये टू प्लस वी वन क्या होता है? टू प्लस वी वन का मतलब होता है इन्फिनेटिव। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है उसका मीनिंग इन्फिनेटिव, वो एक इन्फिनेटिव होता है। ये मैं आपको आगे आने वाले जो हमारे एडवांस वर्ब का टॉपिक होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जिरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो आगे वर्ब कैसी होगी, फिर आगे सिंगुलर वर्ब होगी। अगर वहां पर डब्ल्यूएच वर्ड है फिर इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, और आगे एंड है, फिर डब्ल्यूएच वर्ड है, फिर इन्फिनिटिव, यानी एक डब्ल्यूएच वर्ड, फिर उसके बाद में इन्फिनिटिव, फिर एंड, फिर से डब्ल्यूएच वर्ड, फिर इन्फिनिटिव। तो वर्ब कैसे लगाएंगे, तब वर्ब होगी बच्चों प्लूरल। क्या होगी वो, प्लूरल होगी। जैसे देखिए एग्जांपल, हाउ टू रीड अ बुक इज डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड। यहां पर डब्ल्यूएच वर्ड है और हमारे पास क्या आ गया, यहां पर इन्फिनेटिव आ गया, और आगे इसके बाद में दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, एक ही है। तो वर्ब कैसी है यहां पर, सिंगुलर। How to read a book, किताब कैसे पढ़ना है, ये difficult होता है एक बच्चे के लिए। Now how to do and how to earn, अब यहां पे देखिए एक wh word मेरे पास यहां है, फिर उसके बाद infinitive ये आ गया, end से जोड़ा wh word फिर से आ गया, और फिर infinitive। तो अब यहां पर दो wh word और दो infinitive मेरे पास, अब verb कैसी होगी, plural होगी। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है verb को, have been very difficult for me for many years, कि मेरे लिए कई वर्षों से बहुत कठिन रहा है, क्या, कैसे करना है और कैसे पैसे कमाना है, ये बात। तो यहां पर ये भी बच्चों क्लॉज कहलाता है, ये भी क्या कहलाएंगे, क्लॉज ही कहलाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, इनको भी हम क्लॉज ही कहेंगे। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में इन्फिनेटिव, तो आगे वर्ब कैसी पूछी जाती है, ये आपसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको भी लिखो, फिर इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। इतनी प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम में कि वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में ही एग्जाम फाड़ के आएंगे। चलिए अब लिखो इसको, फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आपको क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, बताइए इसका क्या आंसर है, विच पार्ट हैज दी एरर, कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी बताओ कौन से पार्ट में एरर है, आप ये बताइए, विच पार्ट हैज दी एरर, कौन से पार्ट में एरर है। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि द पुलिस हैव कॉल्ड द क्रिमिनल्स वर नॉट प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर। मैं अब ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं, सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं आपको, देखिए जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है द पुलिस हैव, यहां पे सबसे पहले लिखा है द पुलिस, ये है हमारा सब्जेक्ट और ये हमारी क्या हुई, वर्ब। बच्चों पुलिस के साथ जब भी पुलिस सब्जेक्ट में आएगा उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगानी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पुलिस एक प्लूरल नाउन होती है और इसके बाद हमेशा वर्ब कैसी आती है, प्लूरल, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कौन कौन सी नाउन प्लूरल होती है, कौन सी नाउन सिंगुलर, ये सारे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। चलिए अब आगे कॉट द क्रिमिनल्स, बच्चों यहां से लेकर यहां तक ना, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एक क्लॉज है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ये पूरा क्लॉज है यहां से यहां तक कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया है। वर नॉट प्रिंटेड ना बच्चों, यहां पे हैव की जगह हैड कर दीजिए, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया, पूरा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, इसलिए आप भी इस हैव को हैड कर लेना,
ठीक है ना। तो पुलिस हैड हैड कॉट द क्रिमिनल्स वर नॉट प्रिंटेड। तो बच्चों यहां पे एक ही क्लॉज है तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब होगी सिंगुलर। क्या होगी वर्ब? सिंगुलर होगी क्योंकि सिंगल क्लॉज है, दो क्लॉज नहीं है यहां पर, एक ही क्लॉज दिया हुआ है, इसलिए वर्ब के स्थान पर क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया। क्लियर सबको? वाई या एन लिख के कमेंट बॉक्स में डाल लो अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ताकि हम अगले सवाल पर बढ़े, अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए करें अब अगला क्वेश्चन। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इसमें कहां एरर है। क्वेश्चन लिखा है कि दे हैव नॉट बिल्ट द वॉल, दे हैव नॉट बिल्ट द वॉल आर ट्रू, दे हैव नॉट बिल्ट द वॉल, दे हैव नॉट बिल्ट द वॉल आर ट्रू। ठीक है, बताओ ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, कौन से पार्ट में एरर है, सोच समझ के आंसर देना। अब सारे बच्चे बोर्ड पे देखे जरा, स्क्रीन बोर्ड पे आ जाइए, मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन को। बच्चों इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दे है, फिर उसके बाद वर्ब के आगे हमारे पास है वागई, और नॉट बिल्ट ये पूरी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये हमारा हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये जो दवाल है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब एक वो एक और वर्ब आई हमारे पास आगे, आपको पता है कि जैसे ही क्लॉज फिनिश होगा तो एक वर्ब और हमको दी जाएगी, तो उसने यहां पे हमको आर दे दिया, क्या दिया आर। अब कितने क्लॉज हैं, एक ही क्लॉज है यहां से लेकर यहां तक कि उन्होंने दीवार नहीं बनाई है, ये क्या है, ये सच है, उन्होंने दीवार नहीं बनाई, ये बात क्या है, सच है। तो ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ना, ये पूरा क्लॉज इस समय सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक ही क्लॉज है, इसलिए वर आर नहीं, क्या लगा देंगे हम, इस लगा देंगे। क्लियर हो गई चीज, यस या नो बताओ, क्लियर हो गया ना, ये सेंटेंस समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन कर लें, देखो आपकी स्क्रीन पे आया एक और, बताइए इसमें क्या एरर है। शी वर्क्स फॉर मी एंड ही वर्क्स फॉर हर, हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, शी वर्क्स फॉर मी एंड ही वर्क्स फॉर हर, हैज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जल्दी से बताओ कौन से पार्ट में एरर है, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे सही आंसर्स आ रहे हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, चीजों को समझते हुए चल रहे हो ना इसीलिए। और बताओ अब बोर्ड पे देखो, सभी बच्चे बोर्ड पे आ जाओ, देखो जरा बच्चों, आपको ये जल्दी जल्दी इतना जल्दी आंसर्स आप इसलिए दे देते हो क्योंकि आप क्लास में क्या हो, रेगुलर हो, रेगुलर हो, उसका ये बेनिफिट होता है कि आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके समझ में आती हैं। अब ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं आपको, शी वर्क्स फॉर मी, वो मेरे लिए काम करती है, एंड ही वर्क्स फॉर हर, और वो उसके लिए काम करता है। यहां पे दो क्लॉज है मेरे पास, एक ये और दूसरा ये, इसका सब्जेक्ट है शी और इसका सब्जेक्ट कौन है, वर्क्स। यहां पर दूसरा क्लॉज है मेरे पास, बीच में एंड दिया हुआ है, इस क्लॉज का सब्जेक्ट कौन है, ही, और इस क्लॉज का सब्जेक्ट वर्ब कौन है, वर्क्स। दो सब्जेक्ट है मेरे पास और दो वर्ब है मेरे पास, और दोनों को एंड से जुड़ा हुआ है, तो अब बताओ वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। तो यहां पर हैज नहीं, क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा हैव। क्लियर हो गया ना, दो क्लॉज हैं, प्रत्येक क्लॉज में एक सब्जेक्ट वर्ब है, एंड से जोड़ा गया है, इसलिए वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब इसी नोट पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए जरा बताइए इसमें कहां एरर है। क्वेश्चन लिखा है कि दैट ही हैज डिस्कवर्ड न्यू फैक्ट्स एंड दैट ही हैज रिसर्च द डेटा हैज नॉट अफेक्टेड द प्रोसेस। क्वेश्चन को समझो, क्लॉज कैसे कैसे बनते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्लॉज से पहले कोई WH वर्ड भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, ऑल भी हो सकता है। तो इन चीजों को समझते हुए देखते हुए बताओ कि इसमें कहां एरर है। सारे बच्चे आप बोर्ड पे देखो, अब मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चों यहां पर ना दैट, आपको दैट दिख रहा है पहले, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आया ही, फिर उसके बाद में वर्ब आई हैज, हैज डिस्कवर्ड न्यू फैक्ट्स, फिर लिखा एंड, फिर लिखा दैट, एंड के बाद फिर से डेट आया है, दो बार डेट आएंगे, दो बार WH वर्ड आएंगे, दो बार ऑल आएगा सब क्लॉज से पहले, फिर उसके बाद क्या आया ही, फिर उसके बाद में हैज रिसर्च्ड ना। अब यहां पे एक और वर्ब आई है, तो इसमें दो क्लॉज है, एक क्लॉज हमारे पास यहां से यहां तक, दूसरा क्लॉज हमारा ये वाला, दो क्लॉज को एंड से जोड़ा है, और दोनों क्लॉजेस से पहले क्या क्या दिया हुआ है, दैट दिया हुआ है, क्या है दैट, इस बात को समझना, ठीक है, समझने की कोशिश करना कि दैट है यहां पर, और आगे वर्ब कैसी होगी, फिर प्लूरल होगी, तो यहां पर हैज नहीं, क्या आ जाएगा यहां पर, हैव। बच्चों ये क्वेश्चन किसी नए बच्चे को, जो बच्चा पहली बार इस क्लास को देख रहा है, हो सकता है उसके लिए ये क्वेश्चन क्या हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट, हार्ड हो जाए लेवल, बिकॉज
ये अब क्लास में हम बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, अब थोड़े हाई लेवल के कॉन्सेप्ट आएंगे, ऊंचे लेवल के। अभी तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट कराऊंगा जो आपने कभी सोचे नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसी बात पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन शी कम्स टू मीट देम आर नॉट नोन अस, व्हेन शी कम्स टू मीट देम आर नॉट नोन टू अस, व्हेन शी कम्स टू मीट देम। आराम से सोचो, ठीक है, आराम से सोचो और आंसर दो। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं। व्हेन शी कम्स, इसमें व्हेन लगा डब्ल्यू एच वर्ड है, और ये है हमारा क्या सब्जेक्ट, ये है हमारे पास वर्ब। टू मीट देम, जब वो आती है उनसे मिलने के लिए, वो उनसे मिलने के लिए कब आती है, व्हेन का मतलब यहां पर है कब, वो उनसे मिलने के लिए कब आती है। इज नॉट नोन, तो इज मेरे पास वर्ब आ गई और एक क्लॉज मेरे पास ये रहा। अब इस क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है, शी, और डब्ल्यू एच वर्ड ये रहा, वर्ब ये रही। कितने क्लॉज है यहां पर, एक ही क्लॉज है। कितने क्लॉज है, एक एक क्लॉज है बस, क्योंकि हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है और उससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड है। अब आगे जैसे ये क्लॉज खत्म हुआ, यहां पर ये क्लॉज खत्म हो गया, फिनिश, एंड हो गया। अब इसके बाद में एक और नादर वर्ब है, तो जैसे ही क्लॉज एंड होगा उसके बाद एक वर्ब और होगी। अगर वो सिंगल क्लॉज है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर वो डबल क्लॉज एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर हो गया? ये सेंटेंस समझ में आ गया सभी को? अगर सेंटेंस समझ में आ गया है ना, तो वाई लिख के कमेंट बॉक्स में डालो, जल्दी से वाई लिखो कि क्वेश्चन हमको समझ में आ गया सर, और कोई डाउट है तो उसको भी लिख दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। रोजाना मैं आपके कमेंट्स वगैरह चेक करता हूं, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि किसी का भी कमेंट्स बिना आंसर के नहीं जाए, चाहे वो सिर्फ गुड मॉर्निंग वाला ही क्यों ना हो, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन में लिखा है हाउ टू कुक फूड एंड हाउ टू गार्निश अ डिश इज टू मेन क्वालिटीज ऑफ अ गुड कुक। इस क्वेश्चन में मैंने आपको याद है अभी करवाया डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में इन्फिनेटिव, 2+1 V1, वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो सोचो जरा क्या आंसर हो सकता है इसको, फिर मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है, कि हाउ टू कुक, ओके, और फिर लिखा है हाउ टू कुक फूड एंड हाउ टू गार्निश। गार्निश का मतलब होता है बच्चों सजाना, ये एक वर्ब है, इसका मीनिंग है सजाना, ठीक है, इज टू मेन क्वालिटीज, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड कुक। अब सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ, मैं ये क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, देखिए जरा। यहां पे लिखा है क्वेश्चन में कि हाउ टू कुक, हाउ याद है ये वाला मैंने अभी अभी बताया कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में क्या हो, अभी मिटा नहीं है वो, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में क्या हो, इन्फिनेटिव, 2+V1, तो सिंगुलर वर्ब। अगर दो बार ऐसा आ जाए डब्ल्यू एच वर्ड इन्फिनेटिव, फिर एंड, फिर डब्ल्यू एच वर्ड इन्फिनेटिव, तो उसके बाद में प्लूरल वर्ब। यहां पे कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखो हाउ टू, ये जो कुक है ना, ये एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका अर्थ होता है पकाना, फिर बाद में आ गया हमारे पास एंड, फिर दोबारा हाउ आ गया डब्ल्यू एच वर्ड, फिर से हमारे पास क्या है टू, और दोबारा हमारे पास क्या आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो गार्निश है ये एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दोनों से पहले टू है, दोनों से पहले डब्ल्यू एच वर्ड है, एंड से जुड़े हैं, तो यहां पर वर्ब कैसी होगी, वर्ब होगी प्लूरल। कैसी वर्ब, प्लूरल लगाएंगे। तो यहां जो इज है ना, इसको मैं हटाकर क्या कर दूंगा आर, बिकॉज यहां पर हाउ टू कुक और हाउ टू गार्निश लिखा हुआ है, यानी डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में इन्फिनेटिव है, 2+ verb की फर्स्ट फॉर्म। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इसमें कहां एरर है, विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में गलती है, जल्दी से बताओ बच्चों, आराम से सोच समझ के इसका आंसर देना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चंस को समझो और फिर जवाब दो। शाबाश शाबाश, बहुत बच्चे, देखता हूं सबसे पहले कौन देता है सोच समझ के, और वो भी करेक्ट, सबसे पहले आंसर किसका आता है, लेट अस सी। आराम से सोचिए समझिए क्वेश्चन को और उसके बाद जवाब देना। अब मैं इस क्वेश्चन को मैं अब आपको समझाता हूं, सारे बच्चे बोर्ड पे देखिए, मैं ये क्वेश्चन समझाता हूं आपको, देखिए इसमें कहां एरर है। यहां पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है, डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट, फिर उसके बाद लिखा है बच्चों यू, ये है सब्जेक्ट और ये है मेरी वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई,
फिर मेरे पास एंड आ गया आगे और डब्ल्यू एच वर्ड आ गया और फिर से आगे मेरे पास सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो इस डब्ल्यू एच वर्ड के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब है और इस डब्ल्यू एच वर्ड के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब है, यानी मेरे पास कितने क्लॉज हैं यहां पर, मेरे पास दो क्लॉज हैं और दोनों को किससे जोड़ा हुआ है, एंड से जोड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो यहां पे डज नहीं क्या लगाएंगे बच्चों, डू लगाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान रखना, ये मेंस लेवल का कॉन्सेप्ट है बच्चों, मेंस लेवल का। प्री में भी आ सकता है, यू इट कैन बी आस्क्ड इन प्री एज वेल एज इन मेंस। और यहां तक कि बच्चों एसएससी हो या बैंक एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन पर सवाल आ सकते हैं। तो आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो यस या नो लिखकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके कमेंट सारे चेक कर लूंगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए जरा बताइए इसमें कहां एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। ऑल वी हैव डन सो फार आर टू कॉम्प्लीकेट द मैटर फर्दर। समझो क्वेश्चन को कि कौन से टाइप का है, मैं जो आपको टाइप सिखाए थे सबसे पहले शुरुआत में, उसमें से कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू गाइज, प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखिए आप सभी। इस क्वेश्चन में लिखा है ऑल वी हैव डन आर टू कॉम्प्लीकेट, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ऑल आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, वी, और उसके बाद क्या लिखा है, हैव डन। अब ये यहां से लेकर यहां तक एक क्लॉज है कि ऑल वी हैव डन, All we have done are to complicate things further. कि जो कुछ हमने अभी तक किया है बस वो ये किया है कि जो चीजें हैं उनको और ज्यादा जटिल बना दिया। तो इसमें एक ही क्लॉज है मेरे पास और उससे पहले क्या लिखा है, all। तो ऑब्वियसली वर्ब कैसी होगी यहां पर, यहां वर्ब आएगी सिंगुलर। आई होप सबको समझ में आ गया ये। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, आर का इज क्यों किया हमने, बिकॉज यहां पर एक ही क्लॉज है और जब एक क्लॉज होता है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और दो क्लॉज होते हैं एंड से जुड़े हुए तो प्लूरल लगाते हैं, और दो क्लॉज अगर और से जुड़े हुए हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बच्चों समझ में आ रही है चीजें, यस या नो लिख के कमेंट बॉक्स में डालते रहो, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इसमें कहां एरर है। When to get up and what to do? When to get up? देखिए अब यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या आ गया, इन्फिनिटिव। क्वेश्चन को समझना कि कौन सी टाइप का है, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो देखो समझो और उसके बाद जवाब दो। अब सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ, मैं क्वेश्चन समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। इस क्वेश्चन में लिखा था सबसे पहले व्हेन टू गेट अप, मतलब कब उठना है, एंड व्हेन एंड व्हाट टू डू, और क्या करना है बिफोर लीविंग फॉर द ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले कब उठना है और क्या करना है, डिसाइड्स योर प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द डे, पूरे दिन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करना है कि तुम कब उठते हो और ऑफिस जाने से पहले आप क्या करते हो। तो यहां पर मेरे पास दो क्लॉज हैं, पहला क्लॉज ये रहा जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड और इन्फिनिटिव है, फिर एंड आ गया, फिर डब्ल्यू एच वर्ड और फिर क्या मेरे पास, फिर उसके बाद दोबारा मेरे पास क्या है, इन्फिनिटिव है और एंड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आगे वर्ब मेरे पास डिसाइड्स, क्या वर्ब है, डिसाइड्स, तो ये जो वर्ब है मेरे पास वो डिसाइड्स सिंगुलर है और हमें वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, यहां डिसाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां डिसाइड हो जाएगा, बिकॉज सिंगुलर नहीं प्लूरल लगाना है, बिकॉज मेरे पास दो क्लॉज हैं और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद एक ही इन्फिनेटिव आता है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर दो इन्फिनेटिव आते हैं, दो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं एंड से जुड़े हुए तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। बात समझ में आ गई। आज ये जो कॉन्सेप्ट था ना बच्चों, ये एक्चुअली क्लॉज का कॉन्सेप्ट था और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, और मैं चाहता था कि ये आपको समझ में, मैं आपको पढ़ाऊं ताकि एग्जाम में जब आए ना तो आप मुझे याद करो कि हाँ गुरुजी ने ये पढ़ाया था और ये एग्जाम में आ गया जल्दी से, एक मतलब विद इन 30 सेकंड्स हम इसका आंसर दे सके। बात समझ में आ गई। मैं आपको क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे इतनी ही देर रखता हूं,
30 सेकंड्स, 40 सेकंड या 50 सेकंड, ताकि आप उसको सोचो। ज्यादा देर आपको नहीं देता मैं, ताकि आप उसको सोचो और उतना ही वक्त आपको एग्जाम में लगे, ज्यादा नहीं लगे। बिकॉज एग्जाम में जो आपकी एरर वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चों, वो इतने आएंगे, 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे एरर वाले, तो आप उनको इजिली सॉल्व कर पाओ इतनी सी देर में। यानी कि आप 2 से 2.5 मिनट के अंदर अंदर, विद इन टू मिनट्स आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इंग्लिश में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका समय इंग्लिश में ज्यादा नहीं लगे। अब मैं आपको एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं बच्चों, देखिए जरा अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो जरा, यहां पर मैंने लिखा है कि अगर सब्जेक्ट में द फॉलोइंग या द फॉर्मर या द लेटर लिखा हो तो आगे वर्ब कैसे लगाएंगे। बच्चों सब्जेक्ट में कभी कभी द फॉलोइंग या द फॉर्मर या द लेटर भी आ जाता है, तो इनके साथ वर्ब कैसी आती है, पहले इनका मीनिंग समझा देता हूं आपको। ये जो द फॉलोइंग है ना, इसका मीनिंग होता है निम्नलिखित। क्या होता है इसका मीनिंग? निम्नलिखित। और ये जो द फॉर्मर है, इसका मीनिंग होता है पहले वाला। क्या होता है इसका मीनिंग? पहले वाला। और जो द लेटर है, इसका मतलब होता है दूसरे वाला, अर्थात जो दूसरा है वो। अब ये जब सब्जेक्ट में आएंगे तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे, एक बात समझो कि ये जो तीनों वर्ड हैं, ये तीनों वर्ड एक प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? प्रोनाउन की तरह। जैसे एक प्रोनाउन होता है ना, जैसे मैंने कहा भाई ही एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन किसके अनुसार लगाया जाता है? प्रोनाउन का यूज किया जाता है किसी नाउन के अनुसार। जब कोई भी नाउन होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे राम है तो राम के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। और अगर सीता लिखा है तो सीता के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या होगा? शी। तो जैसा नाउन वैसा ही प्रोनाउन होता है। तो आप इनको एक प्रोनाउन मान के चलो कि ये एक प्रोनाउन है, तो जैसे नाउन होगी ये वैसे ही बन जाएंगे। अगर नाउन सिंगुलर हुई तो ये भी सिंगुलर कहलाएंगे, और अगर नाउन प्लूरल हुई तो ये भी प्लूरल कहलाएंगे, और उसी के अनुसार इनके साथ वर्ब आएगी। इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हो और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। डिपेंड करेगा कि इनका यूज किस नाउन के लिए किया गया है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल। जैसे ध्यान से देखना एक बार, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द प्रिंसिपल एंड द स्टूडेंट्स आर असेंबलिंग इन द ग्राउंड। जो प्रिंसिपल है और जो विद्यार्थी हैं, वो मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। द फॉर्मर आर वियरिंग एन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। द फॉर्मर का मतलब पहले वाला, और जो पहले वाला है उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अब इसमें सेंटेंस में पहले वाला कौन है? जो पहले लिखा गया है। कौन? प्रिंसिपल लिखा गया है। ये जो प्रिंसिपल नाउन है ना, इसके लिए यहां पर फॉर्मर का यूज हुआ है। फॉर्मर का यूज किसके लिए किया गया? प्रिंसिपल के लिए किया गया, कि क्योंकि पहले वो लिखा है। अब आगे क्या लिखा है? एंड द लेटर इज वियरिंग कैजुअल क्लोथ्स। और जो बाद वाला है, उसने, दूसरे वाले ने क्या पहना हुआ? कैजुअल क्लोथ्स पहने हुए हैं। तो इस लेटर का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इसका प्रयोग हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों? प्रोनाउन है, और इनका यूज जिस नाउन के लिए होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। यहां पे फॉर्मर का यूज किसके लिए हुआ? प्रिंसिपल के लिए। वो सिंगुलर है, प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर। तो फॉर्मर के साथ वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहां पर आर की जगह पे क्या कर देंगे बच्चों? इज। यहां पर द लेटर का यूज किसके लिए हुआ है? स्टूडेंट्स के लिए। तो लेट स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो द लेटर के साथ क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर इज के स्थान पर क्या लगा देंगे? आर। बात समझ में आई आपको? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये तीनों एक प्रोनाउन है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि इनका यूज किस नाउन के लिए किया गया है, बात समझना, ठीक है? और जिस नाउन के लिए इनका यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग इनके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि उसी के अनुसार ये भी सिंगुलर और प्लूरल बन जाएंगे। अब यहां पे फॉर्मर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बन गया? सिंगुलर। और यहां पे लेटर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या बन गया? प्लूरल। तो इसलिए इनके साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब आई है। अब ये मैंने एक बॉक्स में एक और चीज लिखी है, इसको और समझो आप। सब्जेक्ट में कभी कभी सच आ जाता है। सच का मतलब होता है, यहां पे मैं सच का मीनिंग लिख देता हूं। सच का मीनिंग होता है ऐसा या फिर ऐसी
या ऐसे, ये इसका मीनिंग होता है सच का। और इसके बाद सच ध्यान रखना कि सब्जेक्ट में अगर सच आ जाए तो उसके बाद में जो नाउन होगी इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। ये जैसी नाउन होगी वैसे ही वर्ब आएगी। अगर नाउन हुई सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और नाउन हुई प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। कि अगर ये नाउन हुई सिंगुलर तो हम वर्ब लगा देंगे सिंगुलर, और अगर ये नाउन हुई प्लूरल तो वर्ब लगा देंगे प्लूरल। सच के बाद जो भी नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा देते हैं। जैसा सच के बाद नाउन वैसी ही वर्ब। तो मैंने इस क्वेश्चन को समझाया, अब मैं आपको कुछ और भी यहां पे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखकर समझाऊंगा। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। यहां पर अभी तक फॉर्मर ये जो लिखा था फॉलोइंग, इसके ऊपर भी मैं आपको इसका भी क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा जरा। नंबर टू, द फॉलोइंग इज या फिर आर, द नेम या फिर नेम्स ऑफ, द फॉलोइंग इज या आर द नेम या नेम्स ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट या फिर कैंडिडेट्स। देखो समझना इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फॉलोइंग को लिखा है सब्जेक्ट में, कहां पे लिखा है सब्जेक्ट में, इसके बाद वर्ब इज होगा या आर होगा इसको हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा जरा समझना। इसके बाद देखना नेम लिखा या नेम्स। फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, यहां पे लिखा है कि जो निम्नलिखित नाम है अगर एक नाम की बात करेगा तो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, और अगर एक से ज्यादा नेम्स की बात करेगा तो वर्ब लगाएंगे प्लूरल, वर्ब प्लूरल। जैसे अगर यहां पे नेम लिखा है तो आएगा इज, और यहां पे अगर नेम्स लिखा है तो आएगा आर। ऐसे ही अगर यहां पे कैंडिडेट तो ऐसे ही कैंडिडेट कैंडिडेट्स भी हो जाएगा, कि यहां पे इज होगा तो यहां पे नेम होगा और यहां पे क्या होगा कैंडिडेट, यहां पे अगर आर होगा तो यहां पे नेम्स होगा और यहां पर क्या होगा कैंडिडेट्स। क्लियर है इस बात को कि फॉलोइंग अगर सब्जेक्ट में आए और उसके बाद में वर्ब लगानी हो तो आप वर्ब के बाद में चेक करना कि वहां पर वो किसकी बात कर रहा है, सिंगुलर की बात कर रहा है या फिर प्लूरल की। अगर सिंगुलर की बात कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल की बात कर रहा है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे हम। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को लिख लो, अच्छे समझ लो, वीडियो को पॉज करके आराम से लिखो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं आपको इस सच के ऊपर कुछ क्वेश्चन समझाता हूं, देखिए जरा ध्यान से देखो कि सच के ऊपर हम क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे मैंने लिखा such problems problems comes in everybody's life। सच का मतलब होता है ऐसी या ऐसा या फिर ऐसे, ऐसी समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो यहां पे सच के बाद में नाउन कैसे लिखिए बच्चों, प्रॉब्लम्स प्लूरल नाउन है। कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन, सही कह रहा हूं ना बच्चों, प्लूरल नाउन है। और इसके बाद वर्ब कैसी होगी, इसके बाद वर्ब होनी चाहिए प्लूरल, क्योंकि जैसी नाउन होगी वैसे ही वर्ब लगा देंगे। तो यहां पे कम्स नहीं होगा, क्या होगा यहां पर कम होगा, क्योंकि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए प्लूरल। आपको इतना तो मालूम है ना कि जो सब्जेक्ट होता है वो या तो बनता है किसी नाउन से या बनता है किसी प्रोनाउन से। तो जैसा नाउन प्रोनाउन होगा हम वैसी ही वर्ब लगा देंगे वहां पर। बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन करवाता हूं इस पर, देखिए मैंने कहा such a man always speak the truth। यहां पे देखिए मैंने कहा कि भाई ऐसा आदमी हमेशा सच बोलता है, तो यहां पे सच के बाद में नाउन कैसी है सिंगुलर, ए मैन, तो आगे वर्ब कैसी होगी, आगे वर्ब सिंगुलर होगी। तो ए मैन के अकॉर्डिंग हम वर्ब को स्पीक्स कर देंगे, क्या कर देंगे इसे स्पीक्स कर देंगे। सभी बच्चों आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर ले, और अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया, बताइए इसमें कहां एरर है। क्वेश्चन में लिखा है राम एंड हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस बट द लेटर इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन द फॉर्मर। आराम से सोचो, सभी बच्चे आंसर देंगे।
बताइए विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में गलती है। अब सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि राम एंड हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, कि जो राम और उसके दोस्त है ना वो नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। तो या और आगे लिखा है द लेटर का मतलब बाद वाला, इज मनी है मोर रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा जिम्मेदार फॉर देन द फॉर्मर, दूसरे वाले से, बाद वाला दूसरे वाले से ज्यादा जिम्मेदार है। तो बाद वाला और पहले वाला कौन है यहां पर? राम तो है पहले वाला और हिज फ्रेंड्स है बाद वाला। आपको कैसे डिसाइड करना है कि पहले वाला बाद वाला कौन सा है? तो बच्चों ध्यान रखना, जो पहले लिखा है वो पहले वाला है और जो बाद में लिखा है वो बाद वाला है। जो पहले लिखा है वो पहले वाला, जो बाद में लिखा है वो बाद वाला। तो यहां पर द लेटर का मतलब बाद वाला, यानी कौन? फ्रेंड्स। इसके लिए द लेटर का यूज हुआ है तो इसके साथ फिर ये जो वर्ब है ये क्या हो जाएगी? गलत है। तो क्या होगा यहां पर? आर। लेटर का मतलब बाद वाला और बाद वाला कौन? जो बाद में लिखा है, हिज फ्रेंड्स। ये प्लूरल हुआ, हिज फ्रेंड्स के लिए लेटर का यूज हुआ है, ये प्लूरल हुआ तो लेटर भी क्या हो गया? ये भी प्लूरल हो गया। लेटर क्या हो गया? प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब कैसे आएगी? ये भी प्लूरल आएगी। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, बताइए कौन से पार्ट में एरर है। द फॉलोइंग हैज द मेन पॉइंट्स, हैज बीन द मेन पॉइंट्स टू फॉलो फॉर मेनी इयर्स। द फॉलोइंग हैज बीन द मेन पॉइंट्स टू फॉलो। अब इसमें आप ये देखना कि सब्जेक्ट में फॉलोइंग लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है फॉलोइंग। द फॉलोइंग हैज बीन द मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स टू फॉलो, टू फॉलो। तो इसमें आप यह समझना कि यहां पे सब्जेक्ट में द फॉलोइंग है और मैंने आपको यह बताया था कि द फॉलोइंग के बाद। अब सारे बच्चे बोर्ड पे देखो आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। सब्जेक्ट में जब फॉलोइंग हो और उसके बाद में वर्ब डिसाइड करनी हो कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल, आप वर्ब के पीछे देखना कि पीछे क्या है, क्या दिया हुआ है आपको? मेन पॉइंट्स, पॉइंट्स मेन पॉइंट्स, मतलब सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है। पॉइंट्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। तो ऑब्वियसली यहां पे फॉलोइंग का यूज किसके लिए किया गया है? प्लूरल नाउन के लिए किया गया है। तो यहां पर हैज नहीं, क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर यहां पे पॉइंट्स नहीं क्या होता? यहां पे होता पॉइंट, मतलब सिंगुलर नाउन होती तो यहां पे हैज क्या था? हैज बिल्कुल करेक्ट था। फिर बात समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, बताइए इसमें कहां एरर है, इसमें कहां एरर है? विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में गलती है? द फॉलोइंग वर द लास्ट सेंटेंस अटर्ड बाई महात्मा गांधी। द फॉलोइंग वर द लास्ट सेंटेंस, फॉलोइंग के बाद में वर्ब है और उसके बाद लिखा है द लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस अटर्ड बाई महात्मा गांधी MG। अब सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए जरा। द फॉलोइंग सब्जेक्ट में लिखा है, इसके बाद में क्या आ गई बच्चों? वर्ब आ गई वर, और इसके बाद में लिखा है द लास्ट सेंटेंस। इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित, जो निम्नलिखित है वो आखिरी सेंटेंस था, निम्नलिखित सेंटेंस आखिरी सेंटेंस था अटर्ड बाई महात्मा गांधी। बच्चों अटर का मीनिंग क्या होता है? अटर का मतलब होता है स्पीक, बोलना। क्या होता है? बोलना। अटर का मतलब लिख लो फटाफट, अटर का मतलब होता है बोलना, स्पीक। तो महात्मा गांधी के द्वारा बोले गए आखिरी शब्द, आखिरी सेंटेंस क्या था? वो निम्नलिखित था। तो सेंटेंस क्या है यहां पर? सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब क्या लगा देंगे? वर्ब लगाएंगे यहां पर सिंगुलर। जैसा बच्चों ध्यान रखना, फॉलोइंग के बाद जैसा नाउन आएगा वैसा ही वर्ब लगाएंगे। फॉलोइंग के बाद वर्ब, वर्ब के बाद नाउन चेक करना है, उस नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। वो नाउन अगर सिंगुलर हुई सेंटेंस तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो नाउन प्लूरल हुई जैसे मेन पॉइंट्स तो वर्ब आएगी प्लूरल। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं बच्चों, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लास में याद हो जाएगा और एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना आप तुरंत उसका फटाफट जल्दी से आंसर दे पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बताइए इसमें कहां एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि सच वर द रश एट द एयरपोर्ट दैट आई लॉस्ट माई लगेज। इस पे बताओ कहां, कौन से पार्ट में एरर है, फिर मैं आपको ये बोर्ड पे समझाता हूं। ठीक है, कुछ समय और लो, आराम से समझो क्वेश्चन को और फिर उसके बाद में जवाब दो। अब सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, अब ये क्वेश्चन मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। सेंटेंस में सबसे पहले लिखा है सच, और आपको एक बात और बता दूं
कि सच के बाद अगर आपको नाउन नहीं दिखे, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई सच के बाद में क्या हो, नाउन हो, और नाउन के अकॉर्डिंग आप क्या लगा दोगे, वर्ब लगा दोगे। लेकिन अगर सच के बाद में नाउन नहीं है, सीधी आपको क्या दिखाई दे, वर्ब, तो आप इस वर्ब के बाद वाली नाउन को चेक करना, ये वाली नाउन चेक करना, इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना। जैसे यहां पर देखो सच है, और इस सच के बाद में कौन सी वर्ब दी हुई है, वर्ब दी हुई है, और इसके बाद में रश, ये वाली नाउन है आर यू एस एच, इसका मतलब होता है भीड़ भाड़। कहीं भी जैसे आप मार्केट में जाते हो तो वहां पे जो भीड़ आपको नजर आती है उसे हम रश कहते हैं। तो रश का मतलब क्या हो गया, भीड़ भाड़, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर सच के बाद नाउन आई तो आप उस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगा देना, लेकिन अगर सच के बाद नाउन नहीं है तो आप कहां कहां देखोगे वर्ब को, नाउन को, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद जो नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग हमको क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग, अगर ये नाउन सिंगुलर तो सिंगुलर, वर्ब प्लूरल तो प्लूरल, तो रश अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। यहां पर वर्का कर देंगे वाज, क्योंकि जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है। तो या तो सच के तुरंत बाद में नाउन होगी या वर्ब के बाद नाउन होगी, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लिख लेना अपनी नोटबुक में। अब हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इसमें कहां एरर है, विच पार्ट हैज द एरर, ए बी सी या फिर डी, कौन से पार्ट में गलती है, जल्दी से बताओ, विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में एरर है। तब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं, आराम से सोचो आप कौन से पार्ट में एरर हो सकती है। यहां पर सच आर द नेचर ऑफ एलिफेंट्स, तो इसमें सच के बाद में आर आ गया, द नेचर उसके बाद में नाउन है, नेचर ऑफ एलिफेंट्स ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो आप अब बताओ सब्जेक्ट को पहचान गए ना, आप क्या आप सब्जेक्ट को पहचान चुके हो, बहुत बढ़िया बच्चों, सभी बच्चे आंसर्स बिल्कुल अच्छे दे रहे हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत अच्छे से सीख रहे हो आप चीजों को, चीजें आपको समझ में आ रही हैं इसका मतलब। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बोर्ड पे समझाता हूं, देखिए जरा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सच के बाद नाउन नहीं हो तो हमको नाउन कहां देखनी है, हमको नाउन देखनी है वर्ब के बाद, कहां पर, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद क्या है, नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति, अनकाउंटेबल नाउन है ये, कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन अगर वर्ब नाउन होगी तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ध्यान रखो एक बात का कि सच के बाद में नाउन होगी या फिर सच के बाद जो वर्ब आएगी उसके बाद में नाउन होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था आज का, मैंने आपको आज बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाया क्लॉज वाला, और उसके बाद में फॉलोइंग, फॉर्मर, लेटर और सच का। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये वाले, और एग्जाम में स्पेशली जो मेंस के एग्जाम होते हैं ना वहां पर इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने ज्यादातर देखा है। मैं आपको जितनी भी क्लासेस में आपको पढ़ा रहा हूं वो सब प्री टू मेंस लेवल का है बच्चों। बहुत सारी क्लासेस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की हो चुकी हैं, और शायद इतनी क्लासेस तो मैं ऑफलाइन में भी शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाई होगी। और अभी तो बच्चों और भी कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, वो भी पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद में एक स्पेशल टॉपिक लेके आने वाला हूं आपके लिए बहुत जल्द बच्चों, बहुत ही जल्द एक स्पेशल टॉपिक आने वाला है। जैसे ये टॉपिक फिनिश होगा एक बहुत धांसू टॉपिक लाऊंगा आपके लिए जिसका आप सबको इंतजार है। लेकिन उससे पहले पहले मैं चाहता हूं कि इस क्लास से ज्यादा बच्चे जुड़ें और इस क्लास का फायदा उठाएं। बच्चों आज की क्लास हम इसी नोट पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से नए एनर्जी और फिर से नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास गाइस, बाय बाय।